गुरुदेव जब कहीं कथा करते थे, गुरुदेव एक श्लोक बोलते थे। जो एक श्लोक जो होता है वो जितने सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है। गुरुदेव बोलते थे, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो क्रमेण रसना मनस विद्यत्य तिष्ठन प्रजी तदानुरागी जनानुगामी काल नैर अखिल उपदेश सार। ये श्लोक गुरुदेव पहला नंबर है तन्नाम। सबसे पहले हमारी निष्ठा किसमें होनी चाहिए, बोले भगवान के नाम की निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि सारे शास्त्र का जो सार है, अगर सारे शास्त्रों को मंथन करेंगे तो उसमें मक्खन क्या निकलेगा, बोले भगवान। इसलिए सारे शास्त्रों का सार भगवान की नाम। इसलिए हमारी नामों में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान के नाम करना शुरू करता है उसको तीन काम अपने आप हो जाना है। कितना काम होता है, क्या क्या है, बोले पहला नंबर में श्री नर्क में श्री जब महाराज चित्रगुप्त कहते हैं, बोले रजिस्टर ले आ, रजिस्टर ला कर क्या करे, फिर इसका नाम उठा देना। क्योंकि अभी ये भगवान की नाम करना शुरू कर नर्क में जा। दूसरा काम क्या है, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है, बोले रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों, बोले इसका नाम को ले। मतलब अभी भगवान के नाम करना शुरू कर दिया, अभी जो गोलोक वृंदावन ये अभी गोलोक वृंदावन में आ रहे। तो तीसरा काम किया, बोले ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू। लेकिन भगवान के नाम जब करना है ना, अब ये पूर्व भूगौ मोह जन्म तप सत्य इस सब लोग को पार करते करते जब ये सत्य लोग को पार करते हुए जाएगा उस समय आरती मुझको आरती मिला। इसलिए भगवान का नाम करते ही हमारी अपने आप हमारे दिन काम हो जाता है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान का नाम करता है क्या, भगवान के नाम हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां, बल्कि क्या क्या पांच ज्ञानेंद्रियां बोलो, चक्षु कर्ण नासिका जीवा और त्वचा। जब ये पांच हमारे ज्ञानेंद्रियां जब हम भगवान के नाम जब करते हैं, यदि अगर ये प्रभु का नाम ये पांच ज्ञान इंद्रिय में अगर किसी तरह से अगर प्रभु का नाम को जोड़ दो ना, ये भगवान का नाम हमारे कल्याण कर देगा। पहला नंबर है चक्षु, मतलब आगे जैसे कभी भगवान का नाम लिखा हुआ, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम अपना आँखों से भगवान का नाम को देखते ना, हरे कृष्ण, यदि ये आँखों को द्वारा भगवान का नाम दर्शन करते 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 ये आँखों को अगर ये प्रभु का नाम संस्पर्श हो जाए बस, ये आँखों को धन्य कर देता है। अगर मन कभी चंचल रहता है, भजन में मन नहीं लगता, क्या करनी चाहिए, भगवान का नाम को लिख करके उसको पढ़ पढ़ करके हरि नाम करो, पढ़ पढ़ करके हरि नाम करो, मन शांत हो जाता है। क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम कानों को माध्यम से हृदय में जाना है। इसलिए कानों का भी धन्य हो गया है, भक्ति उदार हो गया। चक्षु कर्ण नासिका, नासिका मतलब होता है नाक, नाक को द्वारा कैसे कल्याण होता है,
जैसे हम यहाँ बैठे थे कथा सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ जिस स्थान पर प्रभु की कथा हो, भगवान का नाम कीर्तन होना, उसका जो परिवेश है वो पूरा मंगल मंगलमय हो जाता है। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल है भगवान का नाम। भगवान के नाम जहाँ बैठ कर कीर्तन करते तो ध्वनि चार तरफ उसकी ध्वनि जाती है। गुरुदेव कहते हैं जैसे एक पत्थर उठाओ और पानी में फेंको, क्या हुआ उसमें लहरी आई, उसमें लहरी आई, फिर दो बार लहरी आई, फिर तीन बार लहरी आई। इसलिए जब भगवान के नाम हम करते हैं उसका जो लहर चार तरफ पर फैलता है, उसका लहर चार तरफ पर फैलता है। इसलिए जहाँ बैठ करके कीर्तन करते हैं उसका परिवेश संपूर्ण अलग हो जाता है, उस स्थान भगवान का धाम बन जाता है। इसलिए बोले चक्षु करना नासी कबल जीवा, हम प्रभु का जो नाम है जीवा में कर लेते हैं, जब नाम जीवा को स्पर्श करता है वास जीवा का भी कल्याण हो जाता है। उसके बाद में त्वचा, त्वचा मतलब शरीर है, हम लोग कहते होंगे कोई कोई व्यक्ति अपने हाथों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम बोलते हैं। कोई यहाँ पर राधे कृष्ण, कोई इसमें निताई गौर, सब नाम को प्रभु का नाम बोलते हैं। जब प्रभु का नाम शरीर को स्पर्श करता है उसको द्वारा भी कल्याण हो जाता है। इसलिए हमारी निष्ठा किसमें होनी चाहिए, बोले भगवान की नाम, ठाकुर की नाम करनी चाहिए। इसलिए भागवत ने बताया कि नृत्य माना नाम इच्छा दाम अपूत भयम जो भी नाम करता है नामान कीर्तन। जो भगवान का नाम कीर्तन कौन कौन करते हैं, इतर नृत्य माना नाम जो संपूर्ण रूप में संसार की भय से है, इसलिए मुक्त होना चाहते हैं, जो संपूर्ण रूप में संसार का माया से जो मुक्त हो चुके हैं वो भी भगवान के नाम को लेते हैं। जो भगवान के नाम ऐसे नहीं जो बद्ध जीव संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं वही प्रभु का नाम लेते हैं, ऐसे नहीं। प्रभु का नाम को मुक्त महापुरुष को ही हरि नाम लेते हैं। जैसे हमारे कितने गोस्वामी लोग ब्रह्मा जी को देखो जो चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखे सिंह बोले कृष्ण राम राम हरे हरे। ब्रह्मा भी चतुर्मुख प्रभु का नाम लेते हैं, शंकर भी पंचमुख भगवान की नाम लेते हैं, और नारद बजाए बिना यंत्र कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नारद भी बिना यंत्र में हर समय क्या करते हैं, भगवान की नाम को लेते हैं। हनुमान जी को देखो वो भी रघुपति राघव राजा राम अतीत पावन वो भी प्रभु का नाम लेते हैं। इसलिए जितने मुक्त महापुरुष माँ देवी हैं बोले सहस्र नाम सुन प्रिय वाणी जपि जय सर्व प्रिय भवानी। इसलिए माता जी के आठ हाथों में एक हाथ में जन्म माँ वो भी प्रभु का नाम जप करते हैं, वो भी प्रभु के नाम जप करती है। इसलिए भगवान के जो नाम है कहते मुक्त महापुरुष भी भगवान की नाम को लेते हैं। बोले इच्छता अपूर्व भले जो संसार से हैं अभय पाना चाहते हैं, संसार से अभय पाना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए, उनको भी भगवान की नाम जप करनी चाहिए। हाँ बोले जो भी नाम निर्मित अरे नामान कीर्तनम, और जितने योगी ऋषि मुनि सब लोगों ने एक ही सिद्धांत को निकाले, क्या निकाले, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम कीर्तन सबको प्रभु की नाम कीर्तन करनी चाहिए है। इसलिए भागवत का जो लास्ट में यही बताए, क्या बताए, बोले नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समन तम नमामि हरि पर। लास्ट श्लोक में बताए नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन के द्वारा ही जितने सारे जो पाप है प्रभु का नाम संकीर्तन से ही दूर होता है। इसलिए अगर केवल नाम के आभास हो जाए,
सुधा नाम नहीं, फिर नाम की थोड़े से आभास हो जाए ना, इसी से ही क्या होता है जीव का जितने पूर्व जन्म का पाप, हाँ पिछले जन्मों के पाप, आधे जन्मों के पाप, पाप करने का वृत्ति पूर्व है सब जितने सबके सब खत्म हो जाते हैं, केवल नाम की केवल आभास से ही हो जाता है। कहते एक कृष्ण नाम जब तो पाप हरे पापी साधन आए तब तो पाप करे। एक कृष्ण नाम अगर उसने कर दिया उसको कितने पाप नष्ट हो जाता है। कहते पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप वो कर सकता है, हिम्मत नहीं उतना पाप वो कर सकता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सोते समय विषय की भोजन खाते समय की बात जागरण का जगते समय चलते समय घर का काम करते समय इसलिए हाथों में जो कुछ करते हो ठाकुर को सेवा मान कर करो और मुंह में क्या करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान की नाम करते रहो हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम लेते रहो। इसलिए भगवान का जो नाम है ये सारे शास्त्र का निचोड़ भगवान की नाम जप करनी चाहिए, ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए। इसलिए दुनिया भूल जाओ लेकिन प्रभु का नाम तो कभी भूला नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु का जो नाम जप करते हैं ना, तो एक समय कोई एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण ने को मन में बड़ी शंका है, बोले क्या शंका है, बोले जीव को क्या करनी चाहिए, साधन क्या और साध्य क्या, साध्य मतलब लक्ष्य क्या है, हमको करनी क्या चाहिए और ये जीवन का लक्ष्य क्या है, हम तो यही करते हैं, हम क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए हैं और हमें जीवन में मिलेगा क्या। उन्होंने ये प्रश्न बहुत लोगों को पूछा, हमें करनी क्या चाहिए और जीवन का लक्ष्य क्या है। लोग अलग अलग बात करें, कोई धर्म कोई अर्थ कोई काम कोई मोक्ष, अगर हमें कोई पूछेगा हमें क्या करना चाहिए हम क्या बोलेंगे, बोले दुनियादारी संसार बीवी बच्चे इनको पालन करो इनको साथ में रहो बस मर जाओ लास्ट में सो तो चले। इसलिए लोग अलग अलग सब बात बताए, सब अलग अलग बात बताए, लेकिन इनकी मन को तृप्ति नहीं हुआ। तो इन्होंने मन मन में भगवान से प्रार्थना किया, ठाकुर जी अगर हमारा क्या साधन और हमारा ही साधन क्या है। उन्होंने स्वप्न में देखा एक दिव्य महापुरुष स्वप्न में उठाए आकर के बोले कोई चिंता मत करो, यहाँ पर कुछ दिन बाद में एक दिव्य महापुरुष आने वाले, वो स्वयं से चैतन्य महापुरुष आने वाले, तो ये प्रश्न उनको करना इसका प्रश्न वही दे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तब उनसे पूछा, देखा वही महापुरुष तो स्वप्न में देखा था, बोले प्रभु हमारा जीवन का क्या कर्तव्य है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो देखो जीवन का एक ही कर्तव्य है, जीवन में भगवान के नाम जप करना ही एक कर्तव्य है और हमारे लक्ष्य क्या है, साधन साध्य क्या, बोले साध्य भी भगवान का नाम है, साध्य साध्य मतलब लक्ष्य, लक्ष्य भी भगवान का नाम है और जो साधन भी करोगे ना वो भी भगवान के नाम है। यही जीवन का लक्ष्य करनी यही चाहिए और प्राप्ति भी भगवान की नाम। इसलिए हमारे भारत में देखो हैं क्या भारत में क्या होता है, अंतिम समय में यही बोलते हैं राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है सब विवाद। इसलिए करना चाहिए भगवान का नाम और हमारे लक्ष्य भी भगवान की नाम, ठीक है ना। इसलिए एक बार हाथ उठा कर दो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरि। तुलसी हरि नाम संकीर्तन की जय, तुलसी सचिनंदन गौर हरि की जय। इसलिए कहते हैं तन्नाम उसके बाद में रूप, रूप मतलब क्या करो
भगवान के तो सुंदर रूप है, कृष्ण के शत्रुघ्न लंक रूप में खड़े हुए हैं, कैसे कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, गले में कैसे सुंदर माला गले में पहने हुए ठाकुर जी हैं, तीन जगह से कृष्ण कैसे टेढ़े हैं, उनका जो अद्भुत जो रूप है उनको रूप को भी ध्यान करना चाहिए, उनकी रूप को चिंतन करनी चाहिए है। इसलिए भागवत में उनके तीन रूप का वर्णना है, एक तो ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में भगवान के रूप का वर्णना किया, दूसरे में सिर्फ तीजो पत्नियों ने कृष्ण का जो दर्शन किया, श्यामम निरन परिदिन वनमाल कृष्ण इतने सुंदर है तो वर्णना करते हैं, और एक रूप से राधा रानी कहते श्री वेणु गीत में भगवान के रूप को उन्होंने वर्णना किया है, बल बराह फिर नट बर बहु कर्णयोर्णितारम विप्रत पास कनक कपिशयम वैजयंती चमालम रंध्रान पेनुरधर सुधया पुरयानभोगवृंदे वृंदारण्यम सुपत रमणम प्राविशस्तदगीतकीर्ति। इस रूप को से ही राधा रानी वर्णना करते हैं कि सुंदर कृष्णा भर पंकज हैं कराकृ नटवर बहु, भगवान का रूप कैसे नटवर, नटवर मतलब संकल्प नटराज है, लेकिन कृष्ण को नटवर नटवर मतलब होता है जितने नाचने वालों में सबसे जो सुंदर नाचने वाले, शंकर जी के अभिमान था सबसे बढ़िया मैं नृत्य करता हूँ, लेकिन जब कृष्ण के नृत्य देखा ना बोले बम बम बलिहारी दानी मुंडन पर नाच दिली हारी, शंकर जी बोले बलिहारी हो प्रभु बलिहारी हो, मैं तो सोच रहा था सबसे बढ़िया मैं नाचता हूँ, लेकिन जब उन्होंने कालियों को सर के ऊपर नृत्य दी बोले प्रभु आप बलिहारी हो आपकी बलिहारी हो, बोले श्री कालिया कथन भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माला पहने कभी प्रभु भगवान बड़ी बंसुरी बजाते हैं, और भगवान जो वृंदावन में चलते हैं जिनकी चरण स्पर्श पाकर के पृथ्वी अपने आप को धन्य धन्य मानती है, और सखाओं के साथ में जो वृंदावन में प्रवेश करते हैं सारे सखा क्या बोलते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नाम रूप चरितादि उनका जो चरित्र सुंदर सुंदर वृंदावन चल जाएगी तो सब अगर वृंदावन बोले जहाँ रह रहे हो वही पर रहो, लेकिन क्या करो शरीर से जहाँ रह रहे वहीं पर रहो, लेकिन मानसिक रूप में क्या करो वृंदावन में कहाँ पर रहो मानसिक रूप में वृंदावन में रहो। देखो जैसे आप लोग भारत में रोज रोज आते हो कौन कौन आते हो आप लोग सब आते हैं हाथ में आते हो रोज 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 आते हो, देखो यहाँ पर जितने भक्तों में स्टूडेंट हुए फास्ट में भाग लो, जितने यहाँ पर है जो मंगल आरती में आते हैं ना इसका नाम मंगल आरती, क्या नाम है मंगल आरती इसका नाम है, मंगल आरती मतलब क्या है इतना शुभ दृष्ट कर प्रभु जगत प्रति जागरूक हृदय पर मंगल आरती, इसका आरती को जो दर्शन करते हैं जैसे पट खुलता है ना पट खोलते सामने जो खड़े हुए होते हैं ठाकुर का नजर उनको ऊपर पड़ता है, पढ़ने पर क्या होता है हमारी हृदय में कितने गंदी चीज खत्म हो जाती है और हृदय पवित्र हो जाता है, और भगवान कृपा दृष्टि पड़ती है और जीवन में जीवन आपको मंगल 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 आरती होते हो जीवन मंगल मंगलमय होता है, इसलिए जो अब जो भजन है ना मंगल आरती से शुरू हो जाता है, इसलिए इसका नाम कहते हैं निशांत, क्या नाम कहते हैं इसका निशांत लीला, निशांत लीला क्या
नैस मतलब अंधकार ही अंत हो गया, अंधकार निवृत्त तुम्हारी खत्म, और खत्म अंत जैसे शब्द सूरज उदय होता है ना, प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश होता है, मतलब क्या जीवन का तुम्हारे सारे अमंगल खत्म हो गया और तुम्हारे जीवन प्रकाश हो गया, तुम्हारे जीवन प्रकाश हो गया। अभी साधारण लोग क्या करते हैं, सोए हुए हो, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग मंगलारती किया, दुर्गाष्ट प्रभुपाष्ट गया, भगवान कीर्तन किया, भजन किया है, भजन किया है, क्या दिमाग में क्या प्रकाश में हो, प्रकाश में हो क्या दिमाग में क्या किस चीज भ्रमण कर रहे हो, भगवान के नाम रूप गुण लीला। इसलिए जो व्यक्ति मंगलारती में आते हैं ना, समझो हम लोग क्लास में एकदम फास्ट क्लियर में पास हो गए, हमारे फास्ट क्लियर में, क्योंकि जिस समय लोग सो रहे थे लेकिन उस समय इस सवेरे देखे ना सबसे ज़्यादा नींद सवेरे आती है, सवेरे खाते ना सबसे ज़्यादा नींद सवेरे आती है, लेकिन हम लोग सवेरे नींद जो छोड़ करके क्या किया, देर में आए मंगलारती दर्शन किए, कृष्ण कथा श्रीवास, जैसे कोई एक घड़ी होता है ना, अगर घड़ी में एक बार चाबी लगा तो क्या 25 घंटा काम करता है। इसलिए मानो हम लोग मंगलारती में नहीं आए, जो घड़ी था ना उसमें चाबी लगा दी, जो चाबी लगा दिया अभी क्या होगा, 26 घंटा तुम्हारी बांस घड़ी में चलते रहे, मतलब क्या तुम्हारे जीवन प्रभु का भक्तिमय हो गया, 26 घंटा प्रभु की स्मरण कीर्तन में लगा रहेगा। इसलिए आप क्लास में सबसे पार्ट भय आप एक पार्ट डिवीजन में पास किए, जब व्यक्ति मंगलारती में आए है ना, इसलिए कोशिश करना मंगलारती में आओ, दर्शन करो, 10-15 मिनट की कथा सुनो और अपना घर में जाओ, सेवा पूजा भक्ति अपना करके काम काम कर, ठीक है। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम जय और प्रेमानंद हरि हरि बोल, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे thank you.